उनका ये कहना है, मेरी आज ही सुबह एसपी साहब से बात हुई, स्वीकृति नहीं थी, कितने पहले इन्फॉर्म किया उन्होंने आप लोगों को? एक दिन पहले स्वीकृति गोल मोल की प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नहीं किया कि हमने स्वीकृति ऐसा है जी। जिला कांग्रेस कमेटी ने अनुमति के लिए आवेदन दिया जी, उन्होंने मना नहीं किया जी। इसका मतलब क्या माना जाएगा कि आप कार्यक्रम कर सकते हैं जी। उन्होंने निर्देश दिए, नियमों को फॉलो किया, हमने नियम फॉलो किया बस। दूसरी चीज यही नरोत्तम शर्मा जी गृह मंत्री ने भोपाल में बाकायदा एक बुलेटिन जारी किया था कि 14 अगस्त तक राजनीतिक सामाजिक जो इन पर प्रतिबंध लगाए थे। 29 तारीख को हमारा धरना था, 31 तारीख को हमारा धरना था, हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। 14 अगस्त के बाद कोई पाबंदी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अब केंद्र के शासन का कानून लाए तो केंद्र शासन के कानून की आप बात कर रहे हैं तो भैया वो ग्वालियर में भी लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं है कि हम लोग धरना नहीं कर सकते। अगर धरना नहीं कर सकते तो हेलीकॉप्टर कैसे उतरा, क्यों उतरने दिया? अगर हम लोग गैरकानूनी काम कर रहे थे तो हमको क्यों यही गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मतलब आपने इंतजार किया कि आप आराम से करें और फिर आप ये कह रहे हैं फिर हम बाद में आप मुकदमा लगाएंगे या तो आपको दबाएंगे कि जिससे आप चुनाव प्रचार में ना जा सके। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज भांडेर में प्रोग्राम है, आप हम इसलिए नहीं जा सकते कि अब हम धारा लग गई, अब हम गिरफ्तार होंगे। तो ये दोहरा मापदंड है, इसी के लिए हम लोगों ने आदरणीय प्रेस वालों के माध्यम से हम लोग अपनी बात रखा। और थोड़ा सा और सुन ले, ये तो हुआ मीटिंग की बात कि जानबूझकर उन्होंने स्पष्ट न तो अनुमति दी न निरस्त किया, एक बात ये की। और अब कह रहे हैं कि अनुमति नहीं थी, आपने क्यों प्रोग्राम की, आपने निरस्त क्यों नहीं की, आप अनुमति निरस्त करते या अनुमति देते? दूसरा एसपी साहब का ये कहना है आज के भास्कर में जो छपा था उनको देख कर, आज सुबह उन्हीं का फोन आया था, बहुत लंबी हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ क्योंकि पेपर में छपा है कि ग्वालियर में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, वहाँ FIR नहीं हुई, यहाँ FIR हुई। उसमें फ़र्क ये है कि ग्वालियर में अनुमति मिल गई थी। मैंने कहा काय बात की मिली थी अनुमति? उन्होंने कहा सभा करने की, कार्यकर्ता संबोधन करने की। मैंने कहा ठीक है। तो दूसरा प्रश्न फिर ये पैदा होता है कि यहाँ कलेक्टर ने हमको क्यों नहीं दी अनुमति? ग्वालियर कलेक्टर दे सकता है तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? आप ही अनुमति नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं कि हम केस दायर करेंगे। आप लोकतंत्र में कोई गतिविधि नहीं चलाने देंगे, भाजपा को चलाने देंगे, कांग्रेस को नहीं चलाने देंगे, क्या मतलब हुआ? दूसरी बात और कलेक्टर के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की अनुमति, उसके लिए आवेदन दिया नार सिंह यादव ने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ADM ने लिखित में एक लेटर दिया, वो लेटर अभी तो होगा नहीं आपको रखा है, एक लेटर वो आपको दिखा देंगे। एक लेटर दिया ADM ने नार सिंह यादव को संबोधित कि आपके अनुमति के संदर्भ में, उसमें लिखा है जिसमें ये उल्लेख करना है कि दतिया एयरपोर्ट को मध्य प्रदेश शासन ने स्टार एविएशन लिमिटेड को ठेके पे दे रखा है, अतः आप कृपया उनसे अनुमति दें, वो अनुमति देंगे। ठीक है, वो लेटर लेके हम लोग गए उनके पास, हवाई अड्डे गए, उनसे संपर्क करें, अनुमति के लिए उनसे संपर्क करें। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर अधिकृत नहीं है अनुमति देने के लिए, वो अनुमति देंगे। उनसे संपर्क किया, वहाँ गए मैं, हम लोग सब खुद गए, उनके दिल्ली में जो बड़े मैनेजर हैं उनसे फ़ोन पर 2-3 बार बात हुई, उनने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, कलेक्टर अनुमति देते हैं और ये इस लेटर से काम नहीं चलेगा, आप तो कलेक्टर से अनुमति दिलाओ। फिर बात की फ़ोन पर, मैंने खुद कलेक्टर से की, कलेक्टर ने कहा कि हाँ वो आवेदन आया है, मैंने नियम मंगाए, मैंने उन्हें बताया कि ADM ने ऐसा ऐसा कहा, क्या नहीं मैंने नियम मंगाए। ठीक है, ADM से बात की, ADM ने कहा कि देखो मैं बात करता हूँ आपको बताता हूँ। थोड़ी देर में हम लोग हवाई अड्डे पे थे, ADM का फ़ोन आया कि मेरी दिल्ली में स्टार एविएशन के मैनेजर से राजे भटनागर जी से बात हो गई है और वो मेरे लेटर से ही संतुष्ट है, इसी को अनुमति मानते और वो हेलीकॉप्टर लैंड करा दें। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर और उनका फ़ोन भी आपके पास आएगा, उनका फ़ोन आया, उनने भी कहा कि हमारी ADM साहब से बात हो गई है और ADM के पत्र को हमने मान लिया है अनुमति, उनका कहना था इसी को अनुमति मान लो, हमने मान लिया है और आप बेफिक्र रहे, आपका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। 40,940 रुपये उसके जमा कराने पड़ेंगे फीस के, उसमें लैंडिंग फीस, टेक ऑफ फीस, पुलिस सुरक्षा के 9,600 प्लस GST 11,300 पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए, 2,000 एम्बुलेंस के उसमें कोई GST नहीं, 3,000 समथिंग फायर ब्रिगेड के उसमें GST मिलाकर 4,000 कुछ, पूरे 40,940 रुपये जमा कराए, सब कुछ हो गया, संतुष्टि होगी, हेलीकॉप्टर आ गया, प्रोग्राम हो गया, चले गए। अब कलेक्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टर बिना अनुमति उतारा गया, इसमें कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर की चालाकी हुई या नहीं हुई? एक तरफ आपने उनको संतुष्ट कर दिया, खुद भी संतुष्ट, जवानी कह दिया कि हो गई सब, आप भी फिक्र रहो, पैसा जमा करा लिया और फिर करेंगे अनुमति, बिना अनुमति के कैसे एंड कर दिया, एंड लेट कर दिया। इससे स्पष्ट होता है
कि वर्तमान कलेक्टर क्योंकि कुछ ही दिन पहले आए हैं, वो कोई राजनीतिक एजेंडा लेके आए हैं। मेरा आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के आए हैं, एजेंट बन के काम करना चाहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा, दूसरी बात एक और उद्भूत होती है, हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं थी, हमने लैंड करा लिया। आपने परमिशन दी क्यों नहीं? इसका मतलब आपको मालूम था कि एडीएम का लेटर है, ये प्रॉपर परमिशन नहीं है। आपने जवानी उनसे कह के लैंड करा दिया, हमको फंसाना चाह रहे जाल में। आपने अनुमति दी क्यों नहीं? कोई भी आदमी आता है, हेलीकॉप्टर लैंड करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत थी? कोई टेक्निकल दिक्कत हो तो आप अनुमति निरस्त करो। और ये दिक्कत हो कि उसमें जो पैसेंजर आ रहा है वो आतंकी है या वॉन्टेड है, या अगर अपराध करेगा तो आप अनुमति निरस्त करो। आपको आशंका है कि उससे कोई हथियार आ रहे हैं, गोला बारूद आ रहे हैं, तो आप अनुमति निरस्त करो। आपने अनुमति दी क्यों नहीं? जमा क्यों कराए और पैसे क्यों जमा कराए? अनुमति नहीं दी, इसका मतलब आप ये राजनीतिक एजेंडा लेके आए हैं कि कांग्रेस के लोगों को हम डिस्टर्ब करेंगे, उनके हेलीकॉप्टरों को अनुमति नहीं देंगे, आगे चुनाव में भी ये करेंगे और भाजपा को फुल छूट देंगे, उनको कांग्रेस को कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं देंगे और बाद में उन पे केस रजिस्टर करेंगे, गोल गोल जवाब देंगे जिससे वो कार्यक्रम भी कर लें और फिर फंस भी जाए जाल में। तो ये कलेक्टर राजनीतिक एजेंडा लेकर आया है। हम जिला कांग्रेस कमेटी, चुनाव आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत करेगी कि इसको तत्काल हटाया जाए। चुनाव के कुछ दिन पूर्व जानबूझकर इसको लाया गया और इसके आचरण से स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एजेंट है, काम करेगा, एजेंट है। इसको तुरंत हटाया जाए, इनके नेतृत्व में चुनाव निष्पक्ष चुनाव शिकायत। इसके अलावा और भी जो वही मैं कह रहा था, और भी अधिकारी जो कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे, जैसे SP, हम उन सबकी शिकायत करेंगे और बहुत जल्दी शिकायत करेंगे भारत निर्वाचन आयोग। लोगों ने जो 1 सितंबर से 7 सितंबर का जो हिंदुस्तान का प्रोग्राम रखा है उसके अंदर यही स्थिति हम लोगों ने निर्मित, जो हमारे आदरणीय विधायक जी कह रहे थे कि जो एजेंट आए हैं भोपाल से, शिवराज सिंह जी ने, नरोत्तम मिश्रा जी ने जो भेजे हैं कलेक्टर और SP के रूम में, और जो BJP का RSS का जो एजेंडा चला रहे हैं उसके खिलाफ ही हमारा पूरा है। और 1 से 7 तक के मैं घूमता हूँ, हर दिन हम कोई ना कोई नई नई चीज़ हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग के साथ क्या जाती हो रही, हम लोग प्रेस को अवगत कराएंगे। और जो भी है, जो हम लोग कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें आपकी मदद मिले, सहयोग मिले, और जहां हम लोग जिला प्रशासन से आप जो भी, जैसे घनश्याम सिंह जी ने बात कही, हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन भी अपना अभिमत दे, सफाई दे तो हम, उनने अगर इनसे कहा तो हम संतुष्ट नहीं है कि उनने घनश्याम सिंह जी से क्या किया या राजेंद्र भारती से क्या किया या हमसे क्या किया। या तो वो लिखित में बुलेट दें कि उनसे कहाँ गलती हुई और क्या करेंगे नहीं करेंगे, या वो अपना स्पष्टीकरण प्रेस को दें कि जो वो कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर उन्हें सफाई देना तो एक एक करके हम लोगों में फूट डालें, हम लोग तैयार, सब एक है, हम पूरी कांग्रेस एक है। वो चाह रहे हैं कि हम लोग अब ये विड्रॉ करें, हम उनकी खबरें हमारे पास भी आई के साथ इसको रहने दो, हम केस उठा लेंगे, धाराएं हटवा देंगे, हमें धारा नहीं हटवाने, 307 और 302 लगा देंगे, हम सब धाराओं से कोई लड़ने वाला सब एक है, हम लोग लड़ेंगे। और अलग अलग होने, उन्हें स्पेसिफिकेशन देना है तो प्रेस के माध्यम से स्पेसिफिकेशन दें या लिखित में बुलेटिन के माध्यम से स्पेसिफिकेशन। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हर प्रकार की लड़ाई, खुले मैदान में बैठेंगे, बहुत धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं।